परेशानी आप सुनिए तो कहीं चिंता नहीं है। खेत समय दोस्तों आज बहुत तेज बारिश हो रही है, दोपहर का टाइम है और बहुत तेज बारिश हो रही है। बाकी मैं अपने पिंजरे की सेविंग कर रहा हूँ क्योंकि पानी वानी ना आ जाए पिंजरे में, और सर्दी की बारिश है और अगर उनका सर्दी लग जाएगा तो आपको पता है क्या हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी आपको दिखाऊँ कितनी तेज़ बारिश हो रही है और मैं सेटिंग भी कर रहा हूँ। दोस्तों मैं तरपाल के नीचे खड़ा हूँ इसलिए मैं इधर बारिश महसूस नहीं हो रही, और यहाँ से सूखा का भी है क्योंकि मैं तरपाल के नीचे खड़ा हूँ और तरपाल के बाहर बाहर बिल्कुल पानी भी हो रहा है और बारिश भी हो रही है। तो मैं आपको बाहर जाके नहीं दिखा सकता क्योंकि मोबाइल मेरा गीला हो जाएगा, और इसके अलावा मैंने इन पर प्लास्टिक ढक दी। प्लास्टिक ढकने के बाद अभी मैं एक कपड़ा लेकर आया हूँ, ये इससे गर्म कपड़ा है, ये भी मैं पिंजरे पर ढकूँगा, फिर इससे हवा भी नहीं लगेगी उनको। और चीनी मुर्गी ने आज हमारा अंडा दिया था वो मैं दिखा नहीं सका आपको क्योंकि जल्दी जल्दी में नीचे ले गया था, तो अभी बारिश में ही मैं फेट लेके आया हूँ। हमारा गाना भी बिल्कुल एंड हो गया था, ये देखा ये रख के बढ़ने बिल्कुल एंड हो गया था, तो मैं बारिश में ही दाना लेकर आया इनको खिलाने के लिए। इसके अलावा अभी मैं प्लास्टिक व्लास्टिक सब ढक दी, सिर्फ कपड़ा रख के और हम नीचे चलेंगे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है। दोस्तों मैंने कूड़ा ढक दिया है पिंजरे को और इन्जॉयमेंट भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, मक्खन इंडे भी थोड़े और मसले मसाले हो रहे हैं, तो इसलिए इन्जॉयमेंट कर नहीं पा रहा। इस वजह से इन्जॉयमेंट भी बस यही हो रही है कि इनको ढकने की कोशिश कर रहा हूँ, इनको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बारिश सर्दी भी है और पता है फिर आप मेरे हालत से पहचान सकते हैं, सारा मैं भीगा पड़ा हूँ, सब भीगा हुआ पूरा, क्योंकि अभी मैं दाना भी लेके आया था बाहर से इस वजह से भी, और अभी बारिश हल्की हो गई तो मैं दिखाऊँ आपको। दोस्तों जो बारिश हो रही है सुबह से ही हो रही है, हल्की तेज़ हो ही रही है, बंद नहीं हुई है। मैं अभी बाहर गया था तब नहीं थी, लेकिन वहाँ से आया तो उस टाइम से बारिश हो गई, इसलिए मैं छपड़े से बाहर आ गया क्योंकि अभी बिल्कुल समझ लो हल्की हल्की सी है, मोबाइल पर आ रही है बिल्कुल हल्की हल्की से, तो मज़ा भी आ रहा है सर्दी का मौसम इंजॉय करने में, इसलिए मैं बाहर भी आ गया।